प्रिया काशी, मैं जानता हूं ये वक्त हम सबके लिए बहुत मुश्किल है और चाहकर भी मैं नहीं आ सकता। और अब तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है चीमा जी को बचाने की। जानता हूं तुम पूरी कोशिश करोगे। कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं सफल होंगे या नहीं। क्यों नहीं होगी? लेकिन राहू यहाँ कैसे होंगे? ये फिर से पक्का हमारे ख्याल है? ख्यालों में ही सही, लेकिन इसी बहाने तुम्हारे साथ तो हूँ। वैसे तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि तुम कामयाब नहीं हो पाओगी? मुझे लगता है तुम जान लगा दोगी लेकिन जीतोगी। फिर किस बात का डर है? काशी, तुम निडर हो और तुम्हारे हौसले बुलंद हैं, और यही बात तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन पेशविन बनाते हैं। आपने हमें आकर कितनी हिम्मत दी रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर तुम्हारे हिसाब से तो मैं यहाँ हूँ ही नहीं, तुम्हारे ख्यालों में हूँ। वैसे तुम्हारे ख्यालों की दुनिया बहुत अच्छी है। यहाँ तुम राव से घबराती नहीं हो बल्कि शर्माती हो। राव, ना हम घबराते हैं आपसे और ना ही शर्माते। अच्छा, तो देखो मैं यही बैठा हूँ तुम्हारे सामने, ना तुम शर्माओगी और ना ही घबराओगी। तो बताओ क्या करोगे तुम? अरे इतने जल्दी थोड़ी जाने दूंगा। काशी, मैं जानता हूं जो तुम कर रही हो बहुत ही मुश्किल है, और अपने बाबा को इस तरह बहुत कम दिन बचे हैं, अपनी हिम्मत बनाए रखना। मैं जल्दी लौटूंगा। पेशवन भाई, पेशवन भाई, कृष्णा राव आ चुके हैं। आते हैं। कैसे बोले, लेकिन तुम तो जानते हो कृष्णा भाव यहाँ कुछ ठीक नहीं। राहुल लड़ाई पर गए, चीमा जी को अगवा कर लिया गया। हमें लगता है कि चीमा जी को मुगलों ने अगवा किया। और अगर तुम जानती थी
कि मुगलों ने चिमा जी को उठवाया है तो फिर बाबा को क्यों बंदी बना रखा है? ये काम मुगलों का ही, हमें अभी पता चला है भाव। हम भी किसी तरह चिमा जी को छुड़वाना है और ये काम हम तुम्हारे बिना नहीं कर पाएंगे। मैं अकेला उन मुगलों के आगे क्या कर सकता हूँ? तुम अकेले नहीं हो कृष्णा बाबू, बस नजर आओगे अकेले। तुम्हें बस उस कारागर में जाना है जहाँ बाबा को रखा है, किसी तरह वहां पहुंचकर बाबा को छुड़वाने की कोशिश करनी। क्या? क्यों? मतलब मैं ऐसा क्यों करूंगा? देखो, बस उस कारागर तक पहुंचना है तुम्हें और पकड़े जाना है। फिर वो तुम्हें देश निकाला देंगे और तुम पुणे से निकल जाओगे। देश निकाला? हाँ, एक बार पुणे से निकल गए तो तुम्हें मुगलों के पास जाना है, उनका विश्वास जीतना है। वाह, अपने बाबा की जिंदगी दांव पर लगाकर मन नहीं भरा तुम्हारा, जो अपने पूरे मायके को ही खत्म कर देना चाहती हो? हम नहीं करना चाहते थे। करना चाहते थे अपने बाबा के साथ ऐसा। ये मराठा साम्राज्य में ये न्याय नीति जिम्मेदारियां, हमने ये सब मांगा नहीं था, ये हमारे कंधों पर आ गया। बाजीराव पेशवा की पत्नी है, लोग कहेंगे कि बाजीराव पेशवा की पत्नी ने अपने लोगों को अपराध करने की शह दी है। पेशवीन भाई, काशी भाई, पेशवा बाजीराव बल्लाड़ की पत्नी और लाडू, लाडू को कहाँ छोड़ाई तुम? कहाँ है वो लाडू जो खुद चोट खा लेती थी लेकिन अपने परिवार के ऊपर कभी आंच तक नहीं आने देती थी? कहाँ है वो लाडू और कहाँ है उसके अपने? तुम हमारे अपने, इसलिए तुम्हें बुलाया, क्योंकि और किसी पर हमें विश्वास नहीं है कृष्णा बाबू। पता नहीं कैसे पहले, लेकिन हमें तुम्हारी लाडू, मुझे नहीं पता मैं जिंदा लौटूंगा या नहीं, लेकिन अगर एक बहन अपने भाई से मदद मांग रही है तो ठीक है, मैं करूंगा मदद। क्या हुआ कावेरी? अभी अभी पता चला है कि पेशवा सरकार ने सूर्या जी को शनिवार वाड़ा वापस भेजा है। क्या? इतना सब होने के बावजूद भी पता नहीं पेशवीन बाई छोटे सरकार को ढूंढने का जतन क्यों नहीं कर रही? मेरे लिए अभी चिमाजी से बढ़कर कुछ नहीं है कावेरी, काशी कुछ करे ना करे मैं चिमाजी को ढूंढ कर रहूंगी। पर कैसे मालकिन, अभी तक तो ना ही महाज जी ने मुंह खोला है और ना ही छोटे सरकार के बारे में कुछ पता चला है। महाज जी ने अभी तक मुंह नहीं खोला है क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। फिर आपने उन्हें मौत का फरमान क्यों सुनाया? काशी बाई की वजह से मेरे बच्चों ने अपने पिता को खोया है, अब काशी अपने पिता को खोएगी तब जाकर मुझे तसल्ली मिलेगी। हिसाब बराबर। ये सब क्या है? पेशवा भाई कृष्णाराव कारागार के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए पाए गए। क्या? जी, कृष्णाराव महाज जी को कैद से भगा रहे थे
ये तो हमारे सैनिक इतने मुस्तैद रहते हैं कि एक ही झटके में पकड़ लिया इन्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कृष्णाराव? सूर्या जी। जी पेशुन भाई। कृष्णाराव के गले में देशद्रोही की तख्ती लगाई है और इसे सीमा पार छोड़ाई है। पेशुन भाई, अगर तुम रिश्ते भूल गई हो तो यही सही। ये गद्दी तुम्हारे सर चढ़कर बोल रही है, निकाल दो मुझे यहां से और बना दो देशद्रोही। मैं डरता नहीं हूं किसी से, वैसे भी यहां एडिया रगड़ने से क्या फायदा। बहुत दिल दुखा है हमने अपने बाबा का, कितनी तकलीफ हुई होगी उन्हें। मुठियाई का भी भरोसा तोड़ के ये काम था जो अपने भाव को भी दुश्मन के मुंह में भेज दिया। तुम होते तो देखते हो उस बाजीराव पेशवा का चेहरा। हवाइयां उड़ने लगी थी जब मैंने बताया कि चीमा जी को अगवा कर लिया गया है। हुजूर, पेशवा बाजीराव की पत्नी का छोटा भाई आपसे मिलने आए। बहुत बड़ा चूहा खेला है हमने अपने परिवार के साथ। अपने इस परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, लेकिन क्या करते हम? आप तो जानते हैं गणपति बाप्पा की साग में चल रहा है। जिस दिन पेशवा की पत्नी बने, इस राष्ट्र की भी वधू बन गए हम। लेकिन हमारे अंदर की बेटी बहुत तड़प रही है। इस बेटी को कैसे समझाए जब कर्तव्य और राष्ट्र प्रेमी हमारे लिए सबसे ऊपर। पेशवाई की आन, पेशवाई की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है पापा। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। बात सिर्फ चिमा जी के जान की नहीं है, बात पेशवा के मान की है। और उस मान के लिए अगर हमें अपनी जिंदगी दांव पर लगानी होती, हम आराम से शहीद कर देते खुद को। लेकिन हमने तो अपने बाबा की और अपने भाव की ही जिंदगी दांव पर लगा दी। हाँ तो बताएं, हमारे पास तशरीफ लाने की वजह? खान साहब, वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। आज मेरे लिए बाजीराव और मेरी बहन से बढ़कर मेरा कोई बड़ा दुश्मन नहीं। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि मैं बदला चाहता हूं। ये लड़ाई मैं आपको बिना लड़े ही जितवा दूंगा। आप लोग मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मुझे उन्हें बर्बाद करना है। अब मदद कीजिए आप हमारी, आपका आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिए बाबा। मदद कीजिए हमारी। हाँ बाबा, मेरी लाडू पर अपनी कृपा बनाए रखना। लाडू, तुम चिंता मत करो, पापा है ना, सब ठीक कर देंगे। देख लेना, इस बार तुम्हारा तीर एकदम निशाने पर लगेगा। क्यों भरोसा करें हम आप पे? जो अपनी बहन का नहीं हुआ वो हमारा कैसे होगा? क्योंकि मैं जानता हूं कि चिमा जी आपके पास है। खान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आप ही ने कहा था कि आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, तो आपको मैं भरोसा दिलाने के लिए मैं आपको एक अंदर की खबर देता हूँ। वो खबर ये है
कि काशी भाई को पता चल गया है कि चिमा जी आपके पास है। आप ही ने बताया था ना बाजीराव को, तो बस ऐसे ही बाजीराव को यह खबर पता चली तो उन्होंने सेना की एक टुकड़ी पुणे भेज दी थी। वो टुकड़ी जैसे ही पुणे पहुंची तो सब सोचने लगे कि ये पुणे की बात बाजीराव तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकती है। इसी बात से काशीबाई को भनक लग गई कि चिमाजी को आपने उठवाया है। अरे उसकी सेना ने तो उस इलाके तक का पता कर लिया है जहाँ चिमाजी को कैद करके रखा है, और बहुत जल्द ये बात बाजीराव को पता चल जाएगी। वो लोग छोड़ेंगे नहीं आपको। काशीबाई ने तो पूरी तैयारी कर रखी है चिमाजी को छुड़वाने की। अब भरोसा हुआ मुझ पर? तो सोचिए ये सारी बातें मैं आप लोगों को क्यों बताऊंगा। हाँ खान साहब, आप मुझ पर भरोसा करें या ना करें ये आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप मुझसे हाथ मिला लेंगे तो ये फायदे का सौदा होगा हम दोनों के लिए। तो बताओ तुम्हारी बहन की क्या चाल है? लगता है पेशविन भाई की योजना काम कर रही है। तुम्हारी तरकीब तो काम कर गई, आपकी बहुत कृपा है बापा। पेशवन भाई, क्षमा, महर्जी जोशी जब से उन्हें यहाँ लाया गया है तब से वो कुछ खा भी नहीं रहे हैं, पानी भी नहीं पिया है। क्या पापा, खाना खा लीजिए थोड़ा, हम खिलाते हैं। क्या पेशवेन भाई ये देखने आई है कि उसका कैदी जिंदा है या नहीं? आपको क्या लगता है बाबा, आपको ऐसे देखकर, इतना दुख देखकर हमें बहुत खुशी मिल रही है? इस पेशवेन के आगे एक बेटी मजबूर हो गई। आपके खिलाफ सबूत थे बाबा, मजबूर हैं हम, आपकी नाराजगी हमसे खाने से तो नहीं है। खा लीजिए खाना। पेशवन भाई, सूर्य कृष्णाराव ठीक तो है? जैसा आपने बोला था वैसा ही हुआ है। दुश्मनों को कृष्णाराव पर भरोसा हो गया है और उन्होंने छोटे सरकार को अपने जगह बदलने के लिए एक आदमी भी भेजा है। हमारे गुप्तचरों ने उनका पीछा किया और छोटे सरकार का पता चल गया है।